नमस्कार, मैं हूं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर ना कराए जाए। आज हमारे साथ लोकता संगठन से मनोज पांडे जी हैं। इन्होंने सरकार को ज्ञापन भी भेजा है कि परीक्षा ना कराई जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है पूरा प्रकरण सर, इसके बारे में पूरा जानकारी दीजिए। देखिए, परीक्षाएँ लखनऊ विश्वविद्यालय में ही नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और परीक्षाओं को कराए जाने का जो निर्देश है वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। लुआक्टा का बड़ा स्पष्ट मानना है और लुआक्टा का बड़ा स्पष्ट मत है कि जब पिछली बार परीक्षाएं हो रही थी तो 16 मार्च को लुआक्टा ने बहिष्कार किया था। अभी कोरोना की शुरुआत थी, अब कोरोना 4.5 लाख से ऊपर पूरे देश में है, 18,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में है और आज ही लखनऊ में 65 केसेज इस समय तक पाए जा चुके हैं। जब अभी दोपहर है, शाम तक पता नहीं वो फिगर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे में परीक्षाएं कराए जाना कतई उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि MHRD ने एक विकल्प दिया है और MHRD ने कहा है कि प्रत्येक देश के सारे विश्वविद्यालय अपने यहाँ उन छात्रों को जो एनुअल सिस्टम में हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और जो सेमेस्टर सिस्टम में है सेकेंड और फोर्थ UG के लेवल पर, और PG के लेवल पर जहाँ एनुअल सिस्टम है फर्स्ट ईयर और जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ सेकेंड ईयर, इनको प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने मैकेनिज्म दिया और विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया और कहा केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाए। आप देखें तो इसी लखनऊ में जो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, वहाँ के विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रमोट कर दिया, निर्णय लिया और प्रमोट कर दिया है। एक ही शहर में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो समस्या बहुत गंभीर है। एक तो संक्रमण की बीमारी है, अदृश्य बीमारी है, इस अदृश्य बीमारी से जूझने में बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो छात्र लॉकडाउन के कारण शहर से बाहर जा चुके हैं, पूरे प्रदेश में, खाली लखनऊ को सोच के ना चले, अन्य विश्वविद्यालय भी हैं, गाज़ियाबाद में, नोएडा में, हर जगह, मेरठ में, आगरा में, हर जगह कोरोना के केसेज मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे में, और विश्वविद्यालयों में छात्र केवल उसी ज़िले के नहीं पढ़ते हैं, प्रदेश के अन्य ज़िलों के पढ़ते हैं, दूसरे प्रदेशों के पढ़ते हैं, पूरे देश से आते हैं, आवागमन की कितनी सुविधा है हम सब अवगत हैं। तो छात्रों को आने में परेशानी होगी, उनके अभिभावक मानसिक रूप से परेशान हैं, और अगर जो छात्र शहर में आएगा वहाँ कोई मकान मालिक उन्हें किराएदार के रूप में रखें, कंटोनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। तो छात्र रहेगा कहाँ, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेगा? और जब MHRD ने एक अच्छा सलूशन दिया है, इससे सत्र के अनियमित होने का खतरा भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की कि आप जो 7 जुलाई से होने वाली परीक्षाएँ हैं उनको स्थगित कर दें, छात्रों को प्रमोट कर दें, और जो थर्ड ईयर के छात्र हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनकी परीक्षाएं करा ली जाए। तो हमारे जो शिक्षक हैं उनका इंटरनल असेसमेंट कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाएगा और मोर आर लेस, अब जब वो भी तब, और परीक्षा समिति की जब बैठक हुई थी तो इस बात पर गहन विचार विमर्श किया गया था कि जब तक अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होंगी तब तक परीक्षाएँ नहीं कराई जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ये जीवन जी 2020 जीवन जीने का वर्ष है, तो अभी जीवन का वर्ष के रूप में मनाया जाए, अभी परीक्षा कराने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम सब परीक्षाओं से भाग रहे हैं या परीक्षा नहीं कराना चाहते, शिक्षक का दायित्व है परीक्षा कराना और परीक्षाएं वो कराता भी है और कराएगा भी, हम ही परीक्षाएं कराएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन को ही दांव पर लगा दिया जाए हमें लगता है ये कहीं से उचित नहीं है। सर, लुआक्टा, मतलब अभी ये भी सवाल उठते हैं कि केवल लुआक्टा ही अभी प्रदर्शन के लिए ज्ञापन भी दे रहा है सरकार को कि परीक्षा न कराई जाए, कोई अभी संगठन आगे नहीं आया इसके बारे में? देखिए, एक बात आप बड़ा स्पष्ट समझ लें, राजधानी का संगठन है, बड़े भाई के रूप में है, केंद्र में है, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो इसलिए, और जो दूर सुदूर के हमारे साथी हैं, संगठन हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन लुआक्टा चूंकि केंद्र में है, राजधानी में, जैसे दिल्ली में डूटा हमारा है, वो विरोध करता है, हम सब विरोध नहीं कर पाते जहाँ UGC के मामले आते हैं, लेकिन डूटा विरोध करता है, उसी तरीके से लुआक्टा है, लूटा हमारी है, ये राजधानी में है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये उत्तर प्रदेश के सभी
साथियों की, चाहे वो विद्यार्थियों का हित हो, अभिभावकों का हित हो, समाज का हित हो, शिक्षा का हित हो, सबकी बात सरकार तक, सबकी आवाज़ में आवाज़ बन करके सबकी आवाज़ वो सरकार तक पहुँचाए। अच्छा सर, एक सवाल और लास्ट, जो आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप आगे क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, संगठन का काम संघर्ष होता है, और संगठन, आप अगर इसके पास्ट में जाए, बहुत सारे संघर्षों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब परीक्षाएं शुरू हो रही थी लखनऊ विश्वविद्यालय की, पूरे प्रदेश में तो 1 मार्च से सरकार के आदेश से परीक्षाएं शुरू हो गई थी, तब कोरोना का इतना संकट नहीं था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्वयं सरकार के आदेश को धता बताते हुए 1 मार्च की जगह 16 मार्च से परीक्षा कराना शुरू किया। 15 दिन का नुकसान कर दिया, वो अपने नुकसान की बात नहीं करते, 16 मार्च से परीक्षा करा रहे थे, तो लुआक्टा ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया था। हमारा काम संघर्ष करना है, हम संघर्ष करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, संवेदन शून्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन ही निर्णय ले लिया था और जनता कर्फ्यू लगा दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लुआक्टा ने ज्ञापन सौंपा है, तो ये मान के हम सब चलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, और उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए वो एकमात्र अकेले अपनी टीम के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कतई नहीं चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये महामारी फैले और सरकार के लिए एक संकट पैदा हो, और सरकार को इसके लिए कटघरे में, सरकार उनकी खड़ी हो जाए और सरकार को कटघरे में जवाब देना पड़े। तो हम मान के चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं आचार्य हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, छात्रों के हितैषी हैं, तो निश्चित रूप से वो छात्रों के हित में निर्णय लेंगे, छात्र हित में निर्णय लेंगे, और वो दूरदर्शी हैं, हम सब जहाँ तक जानते हैं वो दूरदर्शी हैं, निश्चित रूप से छात्र हित में निर्णय लेंगे, इसलिए न मानने का कोई प्रश्न अभी पैदा नहीं होता है, और ये हम सब मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे, जो समाज के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा, ये हम सब मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे लोकता संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे जी। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि छात्र संघ जो छात्र विरोध कर रहे हैं, आखिर उनका क्या कहना है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द जर्नलिस्ट। नमस्कार।